और बलरामपुर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बलरामपुर में दबंग परिजनों ने महिला की लात घूंसे से जमकर पिटाई की है और मौके पर मौजूद डायल 112 के पुलिसकर्मी मूक दर्शक बनकर के देखते रहे हैं, जबकि महिला बचाने की गुहार लगाती रही, बावजूद इसके दबंग परिजन उसको लगातार बेरहमी से पीटते रहे। और इस पिटाई का वीडियो जब ट्विटर पर वायरल हुआ, तब जाकर पुलिस टीम एक्शन में आई। पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा ने मामले को संज्ञान में लिया और थाना रेहरा बाजार में आरोपी परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, साथ ही डायल 112 के कर्मियों को निलंबित भी किया। हालांकि 4 आरोपी पुलिस के गिरफ्त में हैं और 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। आपको बता दें कि ये पूरा मामला बलरामपुर जिले के थाना रेहरा बाजार का है। और सुनिए इस मामले पर पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा का क्या कुछ कहना है। ट्विटर पर जनपद बलरामपुर के थाना रेहरा बाजार का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में एक सड़क के किनारे एक महिला को कुछ लोग बहुत ही बुरी तरह से मारपीट रहे हैं। इस वीडियो में ये भी दिखाया गया है कि वहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं जो किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस प्रकरण का तत्काल संज्ञान लिया गया और इसमें जब पुलिस ने छानबीन की तो ये जानकारी मिली कि इस महिला को उसका पति, उसका जेठ, उसका देवर और जेठ के 3 लड़के 6 लोगों ने मिल करके बहुत बुरी तरह से मारा पीटा है। और वहाँ पर जो यूपी 112 की गाड़ी खड़ी थी, उनके पुलिसकर्मियों ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। तो इस प्रकरण में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसके साथ ही पुलिस ने कई स्थानों पर दबिश दे करके महिला के पति को, महिला के जेठ को, उसके देवर को और जेठ के 1 लड़के को, यानी कि 6 में से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। शेष 2 अभियुक्त जो जेठ के 2 लड़के हैं, उनको भी बहुत शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यूपी 112 के पुलिसकर्मी जिन्होंने मौके पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। तो शीघ्र ही अन्य अभियुक्तों की भी हम लोग गिरफ्तारी करके इसमें कठोर कार्रवाई करेंगे।